नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्कर। पुष्कर व्यवहारी ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैंने देखा है कि यार कुछ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिसने क्या किया हुआ है कि एक सीधा सीधा कैंपेन चलाया हुआ है किसी कंपनी के खिलाफ, किसी ऐप के खिलाफ या किसी के, ये अक्सर यूट्यूबरों की है, यानी एक आदत टाइप से होती है कि किसी भी कंपनी के खिलाफ कैंपेन टाइप से चला दो केवल ये व्यूज पाने के लिए कि भाई मुझे ज़्यादा व्यूज मिले, इस कंपनी के नाम से मुझे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, इसलिए वो लोग ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं अक्सर। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा भी है कि वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं अक्सर। तो ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखने से आप परहेज करें और आप अपने आप को समझें कि यार कोई आप, जैसे अभी मैंने फ़िलहाल रिसेंट में अभी जो ट्रेंडिंग में, जो यूट्यूबर्स के बीच में अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वीडियो की, धनी की वीडियो जो आती है, तो उसमें मैंने देखा है कि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने धनी के खिलाफ़ एक मोर्चा सा खोल दिया है कि यार कैसे करके इसे बर्बाद कर दो। कहने का मतलब मेरे ये है, यूट्यूबर्स जो है तो वो धनी के पीछे बस नहीं पड़े हैं कि धनी बस के पीछे पड़े हैं, वो ऐप्स आते हैं और क्रेडिट भी है, वो भी लोन देता है, धनी तो देता ही है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है, मगर बहुत सारे ऐप्स हैं जो लोन वगैरह देते रहते हैं। तो ये इनके खिलाफ़ भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं ये चाहूँगा कि देखो, अगर ये सब आप अगर इनकी वीडियो पे अगर आप जाएंगे और आप इनकी वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो ये हर ऐप्स को, हर कंपनी के ख़िलाफ़ ये यानी वीडियो बनाना ही बनाना है। तो इस तरह में तो आपको ना तो कोई, आप अगर इनकी वीडियो डीमोटिवेट हो जाओगे और आप लोन कभी लोगे ही नहीं, है ना, तो कभी भी आप इनका वीडियोज वगैरह ना देखें और ऐसे वीडियो यूट्यूबर्स का बाइकॉट करें। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरी ये है, इनका यही मानना है, ये यही सोचते हैं कि यार हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं, यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको यानी कि पैसा चाहिए, युवा है या कुछ भी है, उसको अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत वाला इंसान ही किसी ऐप से लोन लेता है। जहाँ तक कि इन्होंने खुद भी इन्हीं ऐप्स के थ्रू लोन लिया हुआ है और अपना काम भी कर रहे हैं और लेते रहते हैं अक्सर, ये हर ऐप इनका काम ही है, ये यूट्यूबरों का, कि हर ऐप के से ये लोन लेते रहते हैं और फिर लोन ना चुकाना इनका काम है। और ये फर्जी तरीके से लेते हैं, क्या है कि जेन्युइन तरीके से तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बार अगर लोन अगर निकल गया तो फिर दोबारा निकलने में दिक्कत होती है, इस वजह से क्या है ये फर्जी तरीके से ही लोन लेते हैं। तो ये फर्जी तरीका भी बताते रहते हैं कि आप भी मत जमा करो और मत दो, अगेंस्ट जाके यानी उनको क्या है कि एक भ्रम फैलाने का काम करते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, जैसा धनी वनी के खिलाफ, क्रेडिट बी के खिलाफ, यानी एक भ्रम फैलाया हुआ है, ये यूट्यूबर्स ने फैलाया हुआ है और किसी ने नहीं फैलाया। और यूट्यूबर्स का वीडियो अक्सर क्या है, आम लोग देखते हैं, लोग देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा ही हो, तो ऐसा नहीं है। और यूट्यूबर्स जो यानी ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं कि यार ये कंपनी चोर हैं और ये आपको लूट रही हैं, सीधा सीधा आप इनसे लो मत और लिया है तो दो मत, ये चीज़ है, यानी ऐसा ये लोग बोलते रहते हैं। तो मुझे बाद में भविष्य में भी ज़रूरत है लोन की, क्या है ज़िंदगी इंसान की बड़ी होती है और उसमें क्या है बहुत सारे ज़रूरतें होती है, तो कभी भी आपको दिक्कत हो सकती है, कभी भी आप लोन वगैरह लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऐप के थ्रू। तो आप ऐसी गलती मत करिए कि आप लोन वगैरह ना चुकाएं, तो लोन वगैरह ज़रूर चुका दें। मैं कभी भी अपने कंप्यूटर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करता, कैमरे का गलत इस्तेमाल नहीं करता, मैं जो भी बोलता हूँ आप लोगों के सामने बोलता हूँ और खुल के सामने आता हूँ और कैमरे पे बोलता हूँ और जो सही है वो चीज़ बताता हूँ। कई लोगों के यानी चैनल पर आप जाओगे तो उन पर आप देखोगे कि वो उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक बीच में मोबाइल लगा लिया हुआ है और उसी पे बता रहे हैं कि ये देखो ये धनी ने ऐसा लूटा वैसा लूटा, ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। मैं ये सब फर्जी तरीके नहीं बताता, मैं सीधा सीधा तरीके बताता हूँ, जो सही है सही है, जिसका लिए हो तो दे दो, मेरे कहने का मतलब ये है। सच का तरीका बताता हूँ कि सच क्या है और सही का तरीका क्या है। सही के तरीके से अगर आप चलोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी जियोगे और अगर आप गलत तरीके से चलोगे तो आपको दिक्कतें वगैरह होती रहेंगी ज़िंदगी में। और मैं अपने वीडियोज़ में क्या है ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल तो नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी, जो हो सकेगा मेरा प्लान है कि शायद मैं आगे के टाइम में ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल करूँ और अपना बैकग्राउंड वगैरह बनाने की कोशिश करूँ सही ढंग से। अभी तो ये मैं अपने रूम से ही वीडियोज बना रहा हूँ। और तो अगर आपको वीडियोज मेरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, चलता हूँ मैं पुष्कर शुक्ला, नमस्कार।